ऐ हाके मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। मोमिनीन, बिला तखीर, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं दावत देंगा जनाब किबला अल्लामा मूसा हैदरजादी साहब ऑफ कराची के ओ फजाइल मसाहिब आले मोहम्मद बयान फरमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बराए खुशनुदी है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावात। बराए खुशनुदी सरकार मौला हुसैन बादशाह बुलंद तर सलावात। बराए अजमत पाक बीबी मखदूमा आलिया बुलंद तर सलावात। औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिल लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम वाहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन, वलानल्लाह अला मुनकिरे फ़ज़ाइले वगासिब हकूक़े मजमईन। सलावात। कोशिश करें कि इससे बुलंदतर सलावात। यक जुबान है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजल से अब तक इनका मुहाफिज नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बराए जहूर मुंतकिम दरे सैयदा बुलंतर सलावात। आबाद शाद रहिए, सलामत रहिए। दुआ गो हूँ मेरा मालिक वारिस अज़ा, मेरा बादशाह खालिक अज़ा, मेरा मौला वारिस व खालिक ज़िक्र पाक मखदूमा आलिया का वो पाक बेटा, जो फ़कत इसलिए गैबत में है कि मखलूक को ये समझा सके कि अल्लाह गैब कैसे है। मेरा वो मौला, मेरा वो मालिक, आप सबका इस सफ़े अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चल के आप इस जिक्र की जीनत बने हैं, मेरा मालिक आपको उतना ही अपना मजीद कुर्ब अता फरमाए। बानियान मजालिस, खादमीन सफ़े अज़ा, अली असद, इनके बुज़ुर्ग घर वाले, बड़े अहल खाना, दोस्त अहबाब, अजीज़ अकारिब, मातमी अहल विला, मोहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुंतज़रीन मौला वलीउल असर, गर्ज जिस जिसने भी जिस भी अंदाज में इस सफ़े अज़ा को ज़ाहरी तौर पर मुमकिन बनाने के लिए जो भी काविश और कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक़ का सदका इनकी कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं, पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। यकीनन आप सबके दिलों में भी कोई ना कोई दुआ तो ज़रूर होगी। बस इन आखिरी लफ्ज़ों के साथ कि मेरा मालिक, मेरा मौला बहुत करीम है जो मांगो अता करता है, और उस हुसैन माँ, हुसैन बादशाह की पाक माँ का एजाज़ ये है कि वो दुआ से पहले अता करना जानती है। वो दुआ जो अभी आपकी दुआ नहीं हुई, उस दुआ पर क्या अता होगी, वो मखदूमा इस बात से वाकिफ़ है। बस यही दुआ करूँगा कि मेरा मालिक, मेरा मौला आपको उस विलायत पे कायम रखे जिसकी
पहली वकीला को सैयदा कहते हैं। बहुत सी फरमाइशें मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती हैं, मेरे लिए यही एजाज़ कम नहीं है कि आप मुंतज़र हैं मालिक के ज़िक्र के लिए। बहुत सी चीज़ें पेश नज़र हैं, पिछले साल भी आपसे गुफ्तगू रही, उसी तवातर में बानियान की ख्वाहिश थी कि मज़ीद भी बात हो सके। एक दो जुमले इसलिए कहने जा रहा हूँ कि जो अहबाब, जो चेहरे मेरी आँखों में बसे हुए हैं, जो पिछले साल भी यहाँ थे, वो साथ मिल सकें, और जो नहीं थे वो भी कम से कम वहाँ आ सकें। ये किसी भी शख्स का अपना एजाज नहीं है कि उसकी जहानत इतनी हो कि उस साल भर की बातें उसे याद रहें। ये इस ज़िक्र और इस मिंबर का एजाज है कि साल पहले भी जो कहा हो, जब वापस आके खड़े होते हैं सब याद आ जाता है। आप सलामत रहिए। वहीं से शुरू करने लगा हूं जहां पिछले साल छोड़ा था। मौला आपको सलामत रखे। और दूसरा उस्ताद, आपको अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत सी मंजिलें तय हो जाती। हमने जूतियां उठाई, खुदा मालिक मौला बुलंद दर्जात मजीद बुलंद करे क़िबला डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब के, उनका एक जुमला याद आ गया। वो अक्सर कहा करते थे, खतीब वो नहीं होता जो अच्छा खिताब कर जाए, खतीब वो होता है जो अपने से पहले खिताब करने वाले की बात को आगे बढ़ाए। तैयारी तो सभी करके आए होते हैं ना जी, और कब्ज़े का मजमून तो सबका ही होता है आज का। तो कोशिश करूँगा एक दो जुमले पिछले साल से हम आगे बढ़ें। एक दो बातें जो मेरे भाई कर रहे थे बहरुल साहब, उनको सामने रखते हुए फिर बादशाह की जैसे रज़ा, मेरे मौला वलीउल असर की जैसी मर्ज़ी कि उनकी पाक माँ का, उनकी पाक जद्दा का ज़िक्र हो। जैसे जैसे आपकी नीयतें रहेंगी, जैसे जैसे आप अपने कल्ब में इरादा करेंगे, आपके इरादे की अता मुझ पर होती रहेगी। मेरी हैसियत डाकिए की है, डाक देनी है मैंने आपके हिस्से की, मेरे पास मेरे हिस्से का कुछ नहीं। लेकिन एक बात तय है, डाक देते हुए ये कहा गया था, अगर वसूल ना की जाए तो वापस लाने का हक मेरे पास मौजूद है। तो जैसा आपका नसीब है उसको खोल के रखिएगा, वसूल कर लीजिएगा। आगाज तारुफ और तारीफ मिलते जुलते से लफ्ज हैं। एक है तारुफ जो किसी का करवाया जाता है, और एक है तारीफ जो किसी की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों लफ्ज बड़े आम हैं हमारे यहां। कोई ऐसी बात मैंने करनी नहीं है जिसे सोचना पड़े, समझना पड़े, बाद में दौड़ना पड़े। एक तारुफ, एक तारीफ। तारुफ करवाया जाता है, तारीफ किसी की जाती है। मुझे जरा सोच के बताइएगा, पहले तारुफ होना जरूरी होता है या तारीफ होना? सवाल है सिर्फ इसको जहन में, पहले ये तारुफ होगा या तारीफ होगी? तारुफ होगा, बताया जाएगा जी कौन है। अब मूसा हैदर कौन है क्या पता किसी को? तारुफ क्या है? वही सब कुछ है कि ज़ाकिरे हुसैन है, ये हो गया तारुफ। पहले करवाया जाएगा फिर तारीफ होगी कि ये जाकिर जिक्र कैसा करता है। तमहीद का वक्त थोड़ा को मुझे 5 दिन नहीं पढ़ना क़िबला, फिर यही है ना, कौन है और क्या करता है। कौन, ये हो गया तारुफ, अब क्या करता है ये होगी तारीफ। मुझे जरा इंसाफ से बताओ, अल्लाह का तारुफ किसने करवाया है और तारीफ किसने की है? हाय 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 हाय। आप सलामत रहिए, बात आप तक पहुंची है, मैं इसको वजाहत करूंगा, खुलेगी, और उसके बाद फिर जहां मालिक की मर्जी। अल्लाह का तारुफ किसने करवाया है और अल्लाह की तारीफ किसने की है? तारुफ के लिए जरूरी है कि कोई हो जो अल्लाह का करवाए।
अल्लाह खुद तो नहीं तारुफ करवाएगा ना जी, मैं अल्लाह हूँ मुझसे मिलो, ऐसा तो नहीं ना। कोई तो होना चाहिए जो बताए वो अल्लाह है, और जब वो बताएगा कि वो अल्लाह है तो ये बताने के बाद जितना वो बताएगा कि वो कैसे अल्लाह है वो उतना ही अकबर होता जाएगा। ओए होए होए होए, मैंने मुश्किल बात बहुत जल्दी से कर दी। और जो वसूल कर गए हैं इन हाथों को सलाम है, क्योंकि जाहिरी बात है ये तमहीद के लिए बहुत वक्त मांगता है, लेकिन मैंने लफ्ज मालिक ने अता किए आपके आगे जितने आसान रख सकता था। अल्लाह हु अकबर एक सदा है, एक कलमा है, ऐसे ही है ना। अल्लाह अजान में होता नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। अगर सबसे बड़ा है तो फिर ये बाकी सब दिखाओ। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता है, आप सलामत रहिए। थोड़ा सा ये जो आपके असाब पे सर्दी है, मैं चाह रहा हूं विलायत की गर्मी से इसको बदल दूं। भाई बाकी सब आप सलामत। अक्सर लोग ये कहते हैं, बोलते हैं, समझते हैं कि जी जैदी साहब विलायत पढ़ते हैं। आप यकीन जानिए मैंने आज तक विलायत पढ़ी ही नहीं है। मैं अभी तक इस कोशिश में हूं कि ये समझ और समझा सकूं बशरियत के तकाजों में कि तौहीद क्या है। मैं सिर्फ तारूफ तौहीद पढ़ता हूं, क्योंकि जी आजकल हालात बड़े खराब हैं जी, जई साहब बच्चों को बताएं जी विलायत के बारे में। जी तेरो विलायत के बारे में क्या बताएं? वो जी बड़ा मसला है, विलायत कभी मसला था ही नहीं। सलामत रहिए। देखिए आगाज है, मैं दो तीन जहते खोल रहा हूं, बस इन्हीं जहतों पे गुफ्तगू रहेगी जहां तक मेरे मालिक की रजा रही। विलायत कभी मसला था ही नहीं, मसला ये है ये समझ में नहीं आ रहा कि तौहीद क्या है। जब मौलवी की समझ में ये आ गया ना तौहीद क्या है, तो फिर मसला पूछने मौलवी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि नमाज में अली उन वली उल्ला पढ़ लें या छोड़। मौला आपको सलाम है। इन हाथों को मालिक अपने जरी पर मस करना नसीब करे। मिलके हैदारी, आप आबाद रहे। तौहीद समझ में आ गई तो फिर ये मसला मसला ही नहीं रहेगा कि अली के नाम से इबादत बातिल है या कबूल है। देखें जी झगड़ा तो ये उस दिन से शुरू हुआ ना जब कहा गया अली के नाम से बातिल हो जाएगी। पढ़ें आपकी मर्जी, ना पढ़ें आपकी मर्जी, मेरा क्या है? मैं पढ़ता हूं मेरी मर्जी। अगला जुमला कहूंगा नहीं, क्योंकि वो कह के अगर अगला सांस नहीं आया मैंने काफिरों के मरना है। आप सलामत रहे, मौला आपकी जिंदगी करे, इसी का नाम अकीदा है। आप आबाद रहिए, आप सलामत रहे। किबला जी पढ़ लें जी पढ़ लें, ये मुझे नहीं समझ में आता कि अली का जिक्र करने से सिर्फ नमाज में झगड़ा क्यों है। इबादतें और नहीं है, खाली नमाज पे झगड़ा है जी, नमाज में जी वो जी ये एक नारा लगता है अक्सर। मैं इससे सादा करके नहीं बता सकता, एक जुमले में पूरा अक्सर सुना होगा आपने, मलंगों की जुबानी, फकीरों की जुबानी, आप सब भी, दम दम में अली, हर दम में अली, है ना। सुना ये दम क्या होता है? दम दम में अली, हर दम। अक्सर लोग अगर आप पूछेंगे दम क्या है तो कहेंगे जी सांस, है ना। हाँ ठीक है,
लेकिन मुकम्मल जवाब नहीं। अगर इजाजत हो तो मुकम्मल जवाब दूं। सांस को दम नहीं कहते। आपने सांस लिया ना, अब जरा गौर से देखिएगा भी सुनिएगा भी, आपने सांस लिया पूरा हो गया ना सांस, अब पूरा हुआ, यानी सांस लेते हुए पहले खींचना पड़ता है फिर छोड़ना पड़ता है। मौला का फरमान है मौला अली का कि अगर तुम पर इजहारे तशक्कुर वाजिब कर दिया जाए तो तुम्हारे हर सांस पर दो दफा सजदाए शुक्र लाजिम है। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, आप यकीन करें लाला मूसा जिंदाबाद। मेरी तवक्को से आगे कई मंजिलों पे जाके आपने इस फरमान को वसूल किया है, मुझे वजाहत ही नहीं करनी पड़ी। दो दफा सजदा शुक्र लाजिम हो जाएगा तुझ पे। अब साहिल ने पूछा मौला क्यों, कहा जब तू सांस खींचता है अगर तुझे छोड़ने की मोहलत ना दी जाए आप जी हैं, मौला आपको सलामत रखे। अंदर की अंदर रह गई ना किबला, सांस अंदर है अंदर ही रह गया, छोड़ना नसीब ही नहीं हुआ। तो अब छोड़ा सांस, अब ये नसीब हुआ शुक्र, अगर छोड़ दिया अगला खींचना नसीब नहीं हुआ। यानी हर सांस में दो, एक बार सांस खींचा है उसका शुक्र का सजदा, एक बार छोड़ दिया उसका सजदा। कहां अल्लाह अल्लाह मौला मौला मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, जमीन दे, जायदाद दे, औलाद दे, कितनी दुआएं मांगते हो, कभी ये भी मांगा है अल्लाह मुझे अगला सांस दे? यानी हमें पता ही नहीं चलता हम अपने ताई कितने कमजर्फ हो जाते हैं। और जो बिना मांगे तुझे सांसें दे रहा है वो रिस्क नहीं दे सकता। आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। आप आबाद रहे, मौला आपकी जिंदगी करे, देगा ना तो बा उसका, उस पर छोड़ो, वो जानता है कब देना है, किसे देना है, कैसे देना है, कितना देना है। लोगों को औकात से बाहर होते हुए देखा है, इतना छिन जाने वालों को नहीं जितना मिल जाने वालों को देखा है। जहां है शुक्र अदा कर। दो क्यों दो, क्योंकि ये एक सांस नहीं है किबला, जिसे आप एक सांस कहते हैं वो दो हैं, एक बार खींची एक बार छोड़ी। अब आप कहेंगे बात क्या हो रही थी, कहां आ गए, ये जो आप खींच रहे हैं सांस है, जो छोड़ रहे हैं ये सांस है। अब आहिस्ता कीजिए या तेज तेज, तवक्कुफ यानी वक्फा तो होगा, या फिर ये जो सांस खींचने और छोड़ने के दरमियान हल्का सा लम्हा आता है ना, इसे कहते हैं दम। शाबाश, जिंदाबाद लाला मूसा, मौला आपको सलामत रखे। किबला हो गई है मजलिस, आप सलामत रहो। ये दो सांसों के बीच के वक्फे को कहते हैं दम। तू हमें कह रहा है अली के नाम से इबादत बातिल है, अरे हम कहते दम दम में अली, सांस छोड़, जिसके दम में अली नहीं है उसकी सांसें हराम। आप जी हैं।
आप जी आप सर कर दिता के दम दम लीन है बिस्मिल्लाह पुराना सारे मोमिनों कुरान बिस्मिल्लाह आप सलामत रहे आप आबाद रहे आज पता चला ना जी ये दम दम में अली ये दम क्या है हम तो इतना एहतियात करते हैं कि एक सांस भी नहीं छोड़ना फकीर ने मामला ही ऐसा निकाला ना किबला हर सांस में दो बार सजदा शुक्र कौन करे उनके दरमियान में अली अली करो जो सांस आई उसमें भी कुरान हो गया जो गई उसमें भी कुरान आप जी हैं आप सलामत रहें आप आबाद रहें मालिक आपको सदा इस विलायत पे कायम रखे ये जिसे आप कहते हैं ना खुतबाए फदक देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं वो सारे हुक्म सारी फरमाइशें मेरे जहन में हैं तेजी तेजी से आओ जैसे जैसे मेरा मालिक कड़ी मिलाता रहा आपके पास कोशिश यही करूंगा बेरब्त ना हो जिसे आप खुतबाए फदक कहते हैं मखदूमा आलिया का खुतबा मुझे एक बात बताइए इसे खुतबाए फदक किसने नाम दिया मैं बड़ा सवाल कर रहा हूं हुजरे की सरगोशी नहीं है किसी के कान पे मुंह नहीं रखा कल जीटी रोड को ब्लॉक करके वहां चौक पे खड़े होकर सवाल करो ना तो वहां भी जैदी इतनी ही गरजदार आवाज में बोलेगा बीबी ने तो नहीं कहा था ये मैं खुतबा फिदक देने आ रही हूं ये बाद में तारीख में क्यों किसी ने लिख दिया कि ये खुतबा खुतबा फिदक था याद रखना जब भी कोई कुछ लिखता है तो लिखा हुआ पढ़ो जरूर मगर तहकीक करो ये तो लिख दिया है छुपाया क्या है होय 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 अब मेरे पास एक मजलिस है मुझे उसमें तुम्हें बहुत कुछ देके जाना बड़ी तवज्जो रखना बहुत तेजी से बिना रुके छुपाया ये इसे खुतबाए फिदक का मतलब फिदक का तो मुकदमा था फिदक ही क्यों कहा छुपाया क्या है बताऊं देखिए हम गए मजलिस पढ़ने बानी ने कहा जी देख साहब मौला अली के फजाइल पढ़ने मेंबर पे गए और अचानक शुरू हुआ और मौला हुसैन के फजाइल पढ़ के ये जा वो जा अब लोगों ने सुन ली मोमिनी हुसैनी मात आजादार नारे लगाए खूब खुश हुए लेकिन मजलिस से बाहर जाके एक बात जरूर की वही गल जी जाकरां दा कब्जे दा मजबून जी वही चार गल्लां बस रटी वही सुना सुना के बाद क्या किसी मौला अली पढ़ दे अब अली और हुसैन में फर्क कोई नहीं है हुसैन भी अली है अली भी हुसैन है लेकिन बात तो आएगी ना चाह क्या था तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है उसे पढ़ के या सुन के ही पता चलेगा ना क्या पढ़ा है ये तारीख में खुतबाए फिदक नाम लिखने वालों से पूछो पहले इस खुतबे को पढ़ो तो सही कि लिखा क्या है बड़ी तेजी के साथ आगे आए और मुझे बीच में कोई इतना लंबा वक्फा नहीं डालना कि आपके असाब वापस बैठ जाए मतन यानी तहरीर का जो अंदर लिखा हुआ होता है उसे मतन कहते पहले मतन पढ़ो तो सही उसके बाद तय करना कि इसको खुतबा फिदक कहना भी चाहिए या नहीं क्यों कहा गया क्योंकि मुकदमा फिदक तारीख में बड़ा मशहूर हुआ बीबी का हक था बीबी आई नहीं दिया ना दे आपका क्या ख्याल है फिदक लेने आई जमाने को कोई तो वजह बतानी और दिखानी थी ना वरना फिदक क्या है बीबी की कनीज के कदमों में पहनी हुई नालायन के तलवे से गिरी हुई खाक के एक कतरे के बराबर भी नहीं है
आप सलामत रहिए। मैंने कोशिश की है कुछ बात हो सके। अभी अभी देखे आपने मलका हबश मेरी पाक मौजमा आलिया के बारे में बहलोल भाई क्या खूबसूरत अंदाज में कह रहे थे। कनीस कहते हैं? मुझे नहीं पता आपके जहन में कनीस किसे कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मानी बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। अब आपने जहन में अगर किसी से सुन के या पढ़ के एक खुलासा बना लिया कनीज कौन होती तो रखिएगा, मैं सिर्फ लफ्ज के मायने बता रहा हूं। कनीज लफ्ज पता किससे निकला है? हर लफ्ज का एक होता है मसदर, यानी हर लफ्ज किसी लफ्ज से निकला होता है। अब जो लोग पिछले साल थे वो याद करें, जैसे मैंने बताया था अल्लाह एक इस्म है, ये किसी इस्म से तो निकला है। अल्लाह इस्म निकला है इलाह से, इलाह इस्म अल्लाह से भी बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, इलाह अल्लाह से भी बड़ा है, उसी का इस्म है लेकिन उससे भी बड़ा। हर लफ्ज से कोई लफ्ज निकलता है, ऐसे ही कनीज भी तो किसी से निकला है ना। कनीज लफ्ज निकला है कंज से, सुना सुना लगे ना, कुन तो कंजल मख्फी। कनीज कंज से निकला, कंज कहते हैं खजाने को, और कनीज कहते हैं खजाने की पहरेदार को। हाय 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 हाय, कनीज कहते हैं खजाने की पहरेदार को। अब कनीज सैयदा का मतलब यह है सैयदा के पास जो खजाना है उसकी पहरेदार को फिजा कहते हैं। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, आप आबाद रहे, मौला आपको सलामत रखे। फिदक लेने की ये मालिक ने वो सब तारीख फिदक में पढ़ने बैठा तो फिर एक लंबा मामला हो जाएगा। खैबर में जब फतह हुआ यहूदी आया, उसने हदीयतन तोहफतन जो भी मामला था सब जानते हैं मालिक को दी। अल्लाह का हुक्म कुरान में मौजूद है, जो जिसका हक है उसे दे दें। अल्लाह ने हुक्म दिया, मालिक ने लिख के तहरीर मोहर अंगूठी लगाकर बीबी को दे दी। बीबी के पास पहले भी तो वो आबाद थी ना, ज़मीन बंजर तो नहीं थी, काश्तकारी होती थी। मखदूमा ने ऐसा बेहतरीन, बड़ी तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि ये तारीख है, ये इन दिनों में अगर आपके पास नहीं आएगी तो बच्चे बड़े मेरे तो किन दिनों में आएगी, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ मैं कहूँगा इसको, बस समेट लीजिएगा और रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है, हिस्सा बन जाएगा। बीबी ने क्या बेहतरीन निज़ाम मज़ा किया वहाँ पर, मौला अली की सरबराही में वहाँ पर काश्तकारी का निज़ाम एक बड़ा, और क्या क्या फसलें काश्त हुई बेहतरीन अरब के या उसके कुर्बो जवार के नज़दीक के और दूर दूर के जो भी काश्तकार थे, जिसे आप यकीनन समझेंगे आप इस ज़मीन से वाबस्ता हैं, मज़ारे कहते हैं ना, जैसे मज़ारे जो ज़मीनों पर काश्तकारी करते मंगवा, जो 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 फसल उगाने पैदा करने में माहिर था ना उन्हें बुलाया गया, वो ज़मीन का हिस्सा उन्हें दिया गया, काश्तकारी करो, यहाँ पे फसल उगाओ, अपने ख़ानदान को भी ले आओ, वहीं पे घर बनाया, वहीं पे ख़ानदान समेत रहो। ये बता रहा हूँ बाग फिदक कह के, जिसे बाग तक महदूद कर दिया है, मैं उसकी हदूद बता रहा हूँ। अपने ख़ानदान को भी ले आओ, ख़ानदान समेत यहीं पे फिदक के अंदर घर बनाओ, यहीं पे रहो, ये ज़मीन का टुकड़ा ये तुम्हें दिया, यहाँ जो फसल उगाने में तुम माहिर हो वो फसल उगाओ, फसल उग के तैयार हो जाए, जब फसल उतारी जाए तो सबसे पहले इस फसल में से अगली फसल उगाने तक तुम्हारे ख़ानदान की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अपना हिस्सा निकालो, जो बाकी बच जाए वो लेके जाओ मंडी में, अपने हाथ से उगाई फसल को खुद बेचो, जो मिले वो लेके आओ, लेकिन अगली फसल उगाने तक जो तुम्हारी ज़रूरियात के लिए पैसा चाहिए पहले वो पैसा अपने पास रखो, अब जो बच जाए वो मेरे अली के पास आके दो। हाय हाय, इतनी जल्दी फिदक आपको ऐसे कोई नहीं सुनाएगा जितनी जल्दी मैंने आपको तशरीह करके सुना दिया। ऐसे किबला एक नहीं, कितने खानदान थे जो दूर दराज से बुला के आबाद किए थे। नज़दीक वाले और हैं कि जिनके नज़दीक घर थे
उन्हें इजाजत थी कि आपको यहां घर बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में रहें, लेकिन काम वो यही करते थे। जो दूर दूर से आए थे वो खानदान समेत आए, उनके घर भी यहीं पर थे। अब मौला अली के पास आके दो मालिक अगली फसल उगाने के लिए जो भी जरूरियात होती थी वो उनको देके ये जो बाकी बच जाते थे ना, ये जो बाकी, दुरूद पढ़िएगा बुलंदर सलावत, बारे दिगर बुलंदर सलावत, बड़ा प्यारे भाई, विलायत वाला भाई होता है ना जी, भाई होने के लिए मां के पेट से पैदा होना जरूरी नहीं है। एक जुमला कहता हूं मैं, पता नहीं क्यों अब आ गया याद, देखिए आपको देख के ये जुमला याद आया, कभी कभी कहता हूं मां के पेट से ना भाई पैदा होता है, लेकिन मैं एक नुक्ते नजर से कह रहा हूं, मां के पेट से शरीक पैदा होता है। जायदाद में शरीक, मालो दौलत में शरीक, जो कुछ आपका खानदान में है उसमें वो आपका शरीक है। मां के पेट से शरीक पैदा होता है, हकीकी भाई होता ही विलायत वाला है। आप सलामत, आप आबाद रहो। तो मैं विलायत पे जो है वो ही भाई है, मालिक उनको दे दे ये अब अगली फसल के पैसे, ले जाओ और फसल। देखिए मैं बिल्कुल वस्त में मैंने रखा है, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके खून को गर्माइश देता है आपको, वो सुना के मैं ऐसी जगह पे लाया हूं जहां लाकर अब मुझे थोड़ी इल्मी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। वो हिस्सा फदक का जो नहीं पढ़ा जाता, मैं बड़ी तेजी से सिर्फ तशरीहन आपके सामने बयान कर रहा हूं और फिर वापस इख्तिताम करने पलटूंगा मैं, खुतबे पे खड़े याद रखिएगा। और विलायत के चंद जुमले सुना के मैं खुतबे पे लेके आया हूं, क्यों ये अभी पता चलेगा। दिए वो जाके अगली फसल काश्त करने लग जाते। अब जो मौला अली के पास आ गए वो क्या करते थे मौला अली, पता क्या? बुलाया अपने अस्हाब को, सलमान, अबीजर, मिकदाद, बुलाया एक एक, उनको दिए वही रकम। और एक लफ्ज बताऊंगा जो मौला अली कहते थे, पूरी तफसील में नहीं। एक शख्स को, अब मैं मिसाल दे रहा हूं, उसको कहा तुम दाएं सिमत जाओ, एक को कहा तुम बाएं सिमत में जाओ, एक को कहा तुम सीधे जाओ, मिसाल दे रहा हूं, ऐसे अलग अलग सिमतों में पैसे देके, और कहा बस चलते जाओ जहां जहां भी मेरे चाहने वालों की जरूरत देखो, उस वक्त तक चलना जब तक ये रकम खत्म ना हो जाए। मैंने मौला के फरमान को मुख्तसर करके आपके सामने बयान कर दिया, वक्त की उजलत है इसलिए कि जो भी अली वाला जिसकी जो जरूरत है मौला देके कहते थे जाओ, ये सबको वजीफे, जिसको आप बोलते हैं ना वजीफा बांध, वो मौला की तरफ से उन सबको दिए जाते। अब पता चलेगा तारीखी एतबार से आपको कि फिदक पर क्यों कब्जा हुआ था, यह है तारीखी वजह। आप तब तक मुकदमा क्या लड़ेंगे जब तक आपको वजह नहीं पता, जब तक कत्ल की वजह ना हो ना, कॉज ऑफ मर्डर, तुसी वेपन ऑफ मर्डर भी लेके चले जाओ अदालत, वो कहेगा जी वजह क्या है कत्ल की, पहले उस पर बात हो, कब्जे की वजह क्या है फिदक पर। अगर बाग ही था, ऐसा बाग नहीं था, मैं क्या बताऊं आपको फिदक की हदूद, कभी सिर्फ फिदक पर अशरा हो तब पढ़ूंगा थोड़ा सा, लेकिन एक जुमला पढ़ के मैं आऊं वहां जहां आना है, ये तो वो आने वाला जो आने वाला है वो आकर बताएगा कि फिदक की हदूद कहां कहां है। जब जाने वालों को जमीन तंग पड़ेगी कि वो कह देगा, कुरान ने कहा ना निकल सकते हो तो निकल जाओ जमीन की हदूद से, लेकिन नहीं निकल सकते इल्ला बिल सुल्तान, कुरान ये कह रहा है। और वो सुल्तान आके कहेगा अगर निकल सकते हो तो मेरी मां की जागीर से निकल के दिखा।
ये जुमला पढ़ के मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हदूद क्या थी। फिदक की कब्जा ऐसे ही नहीं हुआ और बीबी मुकदमा क्या लेके गई, वो मजारे जब फौज गई वहां पे हकूमत के जो भी बंदे गए उन्होंने फिदक को ये कह के तहवील में ले लिया कि जी ये हकूमत की प्रॉपर्टी है, तो जो थे मजारे उन्हें बाहर निकाल दिया, बेदखल हो गए। वो मजारे बीबी के पास आए थे शिकायत लेकर, ये है मुकदमा फिदक। और मुझे पता है ये लाइव जा रही है ना जी, हाँ आप सल, मैंने इसीलिए बेसिक कॉज जो है ना वो इससे ज्यादा सहूलत के साथ मैं बयान नहीं कर सकता, ये है वो कॉज। वो शिकायत लेके आए थे, बीबी उनकी शिकायत लेकर गई थी, उन्होंने कहा हमें निकाल दिया वहां से, हमारा घर बार वहां पे था, हमारी फसलें वहां पे थी, हमारा मालो असबाब था, हमें निकाल दिया। बीबी ने जाके उनका मुकदमा रखा था, क्यों निकाला इन्हें फिदक से? तो आगे से जवाब आया, आप ये क्यों पूछ रही? तब बीबी ने कहा मैं कैसे ना पूछूं, मिल्कियत जो मेरी है। मुकदमा पहुंच गया बच्चों तक, ये मुकदमा इसको याद रखिएगा, बीबी का हक जो है ना ये, अब कैसे और कहां से ये याद रखना, बीबी हक ले लो। फिदक के लिए बीबी चली गई, अभी मैंने बताया फिदक की जाहिरी हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं। उनका जब तुम मांगते हो ना तो अता करने वाले, कहां से बात शुरू हुई थी, पहला जुमला यही था ना, जो दुआ से पहले अता को जानती है। उनका मुकदमा बीबी लेके गई, क्यों निकाला तुमने इनको, इतनी सी बात थी। वरना अगर खुतबा फिदक पढ़ा जाए तो फिर ये आप तय करना कि इसका नाम अगर खुतबे का कुछ रखना है तो क्या होगा। मतन पढ़ना है ना, ना अब वक्त है ना ही अब मौका है, कभी मौका और वक्त हुआ तो उंगली रख रख के भी पूरा पढ़ा जा सकता है, वरना एक जुमला ये बताने के लिए काफी है कि बीबी वहां क्या पढ़ रही हैं। बात सिर्फ फिदक की नहीं थी, अगर बयान किया जाए कि बीबी ने क्या पढ़ा तो उसके लिए कह रहा हूं। गुफ्तगू तवील करने के बाद बीबी ने सांस लिया, रुकी और एक बार तायराना नजर दरबार में बैठे हुए सब लोगों पे, बहुत तवज्जो, असल मकसद बयान कर रहा हूं, सब पे नजर डाली और नजर डालने के बाद बीबी ने पहले तवक्कुफ किया, सन्नाटा, खामोशी बिल्कुल, जिसकी बेटी के उस खुद कहने पर अर्श तक खामोशी हो जाए। हाय 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 हाय, आप सलामत रहो, उसकी मां खुतबा दे रही है तो कैसी खामोशी होगी। अब बीबी ने एक बार खुद भी सांस लिया, खामोश हुई, क्योंकि जो मैं कहने लगी हूं वो इतना अहम है कि उसके लिए बीबी ने अपनी भी सांस रोकी है। एक बार सन्नाटा, फिर बीबी ने जुमला कहा, मैं देख रही हूं, बहुत तवज्जो, मैं देख रही हूं कि मेरे अली की विलायत तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस गई। आप जी आप सलामत रहो, ये हाथ में ही है, कशकोल है, इन्हें उठा के हैदरी। हक्के कुरान या जुबान सारे मोमन पढ़न कुरान, नारा हैदरी। एक जुमला मैंने चुना सिर्फ अपनी हैसियत औकात बिसात मालिक की अता के मुताबिक, कि ये बताने के लिए काफी हो, पूरी देग नहीं खानी पड़ती जी, एक दाना काफी है बताने के लिए। तो जिस खुतबे का जुमला, मैं देख रही हूं मेरे अली की विलायत तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस गई है, हड्डी की हलक में हड्डी फंस जाए तो क्या कहते हैं आप, हड्डी हलक में फंस गई जी, ना निगलने की ना उगलने, यही है ना जी। तो बीबी कहना क्या चाह रही हैं, जो समझ गए हैं समझ गए, मैं चाह रहा हूं एक बच्चा भी पीछे ना रहे, ये दिन ये मौका बानियान की ये मेहनत है इसी काम के लिए ना, मेरे अली की विलायत याद रखना, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, के इमाम का कलाम तमाम कलामों का इमाम होता है,
तो ये जो बोल रही है ना, ये इमामों की इमाम है। तो इनका कलाम क्या होगा? यानी हुज्जत का कलाम वो रोजे माशर तक जाता है, उससे भी आगे। तो बीबी ने जो जुमला कहा वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, आज के दिन इस जुमले को रख, तुझे यही लगेगा ये जुमला है ही 2023 के लिए। बीबी ने कहा मैं देख रही हूं मेरे अली की विलायत तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस गई। मतलब क्या? यानी ना निगलने की है ना उगलने की है। क्या? अगर ये निकलेंगे तो मानना पड़ेगा अली की विलायत को। तो अली की विलायत मानने के बाद सबसे पहले तो तख्त से उतरना पड़ेगा। आप सलामत रहो। केड़ा फिदक? कौन सा फिदक? सबसे पहले तख्त से उतरना पड़ेगा। अगर ये निगल लिया तो सबसे पहले तो तकाजा है ना, फिर बैठे क्यों हो? फिर तो पहला सवाल ही है ना, बैठे क्यों? तो ना निगलने की है ना उगलने की है। कि अगर उगल दी तो वहीं पर खड़े खड़े, अभी चंद दिन पहले की तो बात है, किसी का भी नाम लेके बीबी कह सकती है तू नहीं था गदीर में जब इसने अली के हाथ पे बैठ करके कहा था बखे। अभी तो मौजूद है ना, आप सलामत रहें। किस मुंह से इनकार करें? ना उगलने की है ना निगलने की है। बीबी जानती है इसीलिए खामोश है। यही वजह है अशहदु अन्न अलीयुन वलीउल्लाह कलमे में तो पढ़ लिया। बीबी का आज भी कलाम वैसे ही है। बीबी गोया कह रही है मैं देख रही हूँ तुमने कलमा पढ़ तो लिया, अब ये अशहदु अन्न अलीयुन वलीउल्लाह तेरे हलक की हड्डी बन गया है, ना निगलने की है ना उगलने की है। अगर निगलेगा तो मानेगा कि तौहीद ही विलायत है, विलायत ही तौहीद है। और अगर उगलेगा ना तौहीद रहेगी ना विला। मैंने क्या कहा था? तौहीद किबला खालिस, खालिस इल्मी अंदाज में मुकदमा भी रखा है। और ये आज तक साबित कैसे? मैं इससे ज्यादा जल्दी जुमलों की सूरत में बयान नहीं कर सकता कि कैसे कैसे। अभी बीबी की अजमत पे एक बात भी नहीं हुई, ठीक एक दो जुमले, वक्त मेरा कामिल हो गया और उन जुमलों के साथ चंद जुमलों की इबादत, क्योंकि जाहिर बात है जो अय्याम है बीबी की अजमत पे सिर्फ चंद जुमले, दो तीन हुक्म जो थे वो मैंने कोशिश की कि उसको इस वक्त में रहते हुए पूरा करूं। अब मैं कैसे बयान करूं सैयदा कौन है? मतलब अगर मुझे आप कहें जी कि जी बीबी के फजाइल पे जरा रही साहब कुछ जुमले कुछ बातें दो चार बीबी के फजाइल, मैं कैसे बयान करूं सैयदा कौन? मैं कोई अल्लाह थोड़ा ही ना हूं। हाय 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 हाय, आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। ये चलो एक अपनी ही कही गई बात से, अपनी पढ़ी गई बात मुस्तार लेकर दो बातों का रब्त जोड़ रहा हूं, और यही अगर मुकम्मल हो गई तो बड़ी। मखदूमा जब भी आती थी मालिक उठ के खड़े होते थे, ये सुना ना, जब आती थी मालिक उठ के खड़े होते। साहबी ने पूछा बाप पर बेटी का एहतराम वाजिब नहीं है? बेटी पर बाप का एहतराम वाजिब है कि जब भी बाप आए बेटी उठ के खड़ी हो। या रसूल अल्लाह आप एहतरामन उठ के क्यों खड़े हो जाते? बड़ी ही जल्दी से यहां अगर रुक जाऊं तो ये ही पूरी मजलिस है लेकिन खत्म हो रही है। आप क्यों खड़े हो जाते? का खामोश हो जा, तुझे नहीं पता कौन आ रही है,
बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। तुझे नहीं पता कौन आ रही है। अब उसने साहिल बन के सवाल किया, कहा मालिक फिर आप ही बयान कीजिए कौन आ रही। कहा तुझे लग रहा है बेटी आ रही है। कहा बेटी नहीं, अल्लाह की इज्जत आ रही है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहें, आप आबाद रहें। नौकर बीबी की अस्मा पे मुतल्लिक कोई भी किताब आप उठा कर देख लें, उसके आगाज में ही आपको ये बीबी का इस्म मौला मिल जाएगा। अल इज्जतुल्लाह, अल इज्जतुल्लाह, अल्लाह की इज्जत। और कुरान ने कहा है वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। ये है रहमतुल्लिल आलमीन, वो है इज्जतुल्लाह। अल्लाह की रहमत पर अल्लाह की इज्जत की ताजीम लाजिम है। रहमत पर इज्जत की ताजीम। सिर्फ बेटी नजर आ रही है, उम्मे अबीहा, जो बेटी होकर बाप की माँ है। अब उम के मानी अगर सिर्फ माँ समझो तो फिर मेरा क्या कसूर है। अब इस पे फिर वही कहूंगा कि वक्त नहीं, तेजी से सिर्फ एक जुमले की सूरत में लो और बात। उम, हाँ, अब उर्दू जुबान की बुलाई है, जुमा जुमा आठ दिन की कहानी है। उर्दू तो जुबान ही कोई नहीं है, अरबी, फारसी, संस्कृत, ठीक है, अलग अलग जुबानों के, तुर्की, इनके जुबानों के लफ्ज मिलाए और आपकी जुबान बन गई, बीच में मोहम्मिल अल्फाज डाल के। जुबान तो अरबी है ना, उम्मुल लिसानियात, उसमें हर लफ्ज के मानी है, मफहूम है। अगर एक एक लफ्ज को समझाने के लिए हकीकत में उसके मानी तहरीर किए जाए ना अरबी से उर्दू में, तो एक लफ्ज अरबी समझाने के लिए किताब लिखनी पड़े उर्दू में। इतनी वुस्सत। उम मां, सिर्फ मां नहीं, मैं सिर्फ मानी बता रहा हूं, बाकी उम्मे अबीहा कौन कह रहा है? मौला मोहम्मद। सिर्फ मोहम्मद है, रसूल नहीं है, सिर्फ मोहम्मद है, नबी नहीं है, है ना। और मैं अब क्या क्या बताऊं, वो सब जहन में रखना, वो सब हो के कह रहे हैं मेरी उम है। ओम माँ को कहते हैं, हाँ माँ को भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये सुन लो। ओम कहते हैं मरकज को, ओम कहते हैं महवर को, ओम कहते हैं नुक्ताए आगाज को, ओम कहते हैं नुक्ताए इख्तिताम को, ओम कहते हैं उस नुक्ते को जो कब बनता है, जब अब सबने अपने स्कूल में प्रकार का तो इस्तेमाल किया होगा ना, प्रकार के एक हिस्से पर कलम होता है, दूसरे हिस्से पर नोक होती है, उसे कागज पे रख कर फिर दायरा खींचा जाता है, जब उठाते हो तो एक नुक्ता बना होता है ना। अरबी में उम उस नुक्ते को कहते हैं जो दायरा बनाता है। सैयदा वो नुक्ता है जिसने दायरा तौहीद बनाया है। हाय 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 हाय, आप सलामत। ओम ओम, आप आबाद रहिए। ओम मरकज, महवर। ओम कहते हैं दरख्त की जड़ को, और दरख्त गिजा कहां से लेता है? जड़ से लेता है, जड़ ही उसकी जिंदगी। जड़ काट दो दरख्त गया, टहनी काटो और आ जाएगी। अगर जड़ काट दी, जड़ नहीं काटी, दरख्त काट दिया। अब सैयदा पर जिसने जो जो जुल्म किया, सैयदा पर नहीं हुआ, वो दरख्त पे हुआ है, वो दरख्त पे। बड़ी तवज्जो। ओम ओम के मायनी थोड़े थोड़े से समझ में आ रहे हैं। ओम में अभी और बेइज्जत मिन्नी, अजमत पे एक एक जुमले और खत्म, तीन मिनट रह गए मेरे पास। बेइज्जत मिन्नी क्या तर्जुमा किया जाता? फिर वही इल्मी यतीमी तो है ही है, यहां जहालत का वो अंधेरा है कि क्या बयान। बेइज्जत मिन्नी मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। गलत। पहली बात, यहां जिगर है ही नहीं। बेइज्जत मिन्नी
अगर ईमानदारी करनी भी है तो पहले तो जिगर हटा टुकड़ा, ये फिर भी काबिले कबूल है। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होगा, कौन सा टुकड़ा? जिगर तो है ही नहीं ना यहां पे क़िबला, बाइज़त तो मिनी, ये मेरी बेटी, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा हिस्सा है, हिस्सा कह लो टुकड़ा कह लो, सवाल होगा कौन सा। अब तर्जुमा कर दूं इसका भी, महफूज कर लेना, बात बिल्कुल इख्तिताम पे आ गई। बाइज़त मिनी जिगर का हिस्सा नहीं, जिगर का टुकड़ा नहीं, अरबी में बैजा जिस्म के, बदन के, शख्स के, शख्सियत के, या जात के, जो तुम चाहो, या जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसके, उस हिस्से को कहते हैं जिसके बिना उस बदन में जिंदगी का तस्वुर नहीं होता। हाथ काट दो, पांव काट दो, बंदा जिंदा रहता है, सर काटोगे तो नहीं रहेगा। मोहम्मद कह रहे हैं ये मेरा सार है। आप ये आप आबाद रहे। नारे विनाय, नारे विनाय, नारे हैदरी। आप आबाद रहे। एक मजलिस में मैंने खमसा बंद करके दे दिया जी, तीन उनवानों पर, विलायत से लेकर फिदक और बीबी की अजमत पे चंद जुमले, ये मैंने कोशिश की से एक घंटे में आपके हवाले में कर दूं। वो हिस्सा जिसके बिना तसव्वुर जिंदगी, वो ये गर्दन है, सर जुदा कर दो धड़ खत्म। अगर सर जुदा कर इस जुमले पे बस बात खत्म है। अभी हशमत भाई पढ़ रहे थे, एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या खूब इस्तेमाल किया, वाह उनको दांत है फिर से, यकीनन ऐसा ही है। उसी वक्त एक बात बस मालिक ने अता की थी जब मैं सुन रहा था उनकी ज़ुबानी, आपके लिए है तो इसी बात पे आपके हवाले करके इजाज़त। बड़ी खूबसूरत बात, यकीनन अकीदा यही है हमारा। करबला को क्या कहते हैं आप? करबला। कब से? जब से वहाँ हुसैन ने कदम रखा। बड़ा मुख्तसर करके जुमला है सिर्फ, यानी हुसैन जहां कदम रखे, यही पढ़ रहे थे ना मिसरा, यही था, जहां हुसैन कदम रखे वो मुअल्ला होता है। मुअल्ला, अच्छा इल्मी एतबार से आ जाएं तो मुअल्ला क्या होता है? मौल्ला कहते हैं, चले इसके भी मानी भी बता दूं फिर इल्मी एतबार से भी देख लीजिए मौल्ला किसे। मौल्ला कहते हैं अल्लाह की जगह को। हाय 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 हाय, या अली मेरा मौला। अच्छा इसके मानी में भी आप देखेंगे जी, बुलंद जगह, आला जगह, क्या खूब जगह, अजमत वाली जगह। मौल्ला अल्लाह की जगह, यानी उससे तो ऊपर फिर कोई जगह ही नहीं होगी ना, जो जगह अल्लाह की है। ये किसकी जगह है जी? या जी चौधरी साहब की जगह है। ये किसकी है जी? ये जी सैयद सरदार हैं जी, उनकी जगह है। ये किसकी है? ये जी हुकूमत है पाकिस्तान की जगह है। उन तो हुकूमत है पाकिस्तान की जगह तो कब्जा करके बखाओ, है ना जी। यानी जिसकी जगह है उतनी ही डाढ़ी होगी। तो करबला है अल्लाह की जगह। मौला जो अल्लाह की जगह हो, ये तो हो गए मानी। अब आइए इल्मी एतबार से, दो ही जगह हैं ऐसी जिन्हें कम अज कम आज की तारीख तक आप मौला कहते हैं। बाकी मौला पर अपना हक समझ के बैठने वाला जब आएगा तो फिर बताएगा कि मौला क्या होता है। तो पता नहीं फिर कौन कौन से मौला खुले, अब तक तो दो ही मौला है, या अर्श मौला है या करबला मौला है, जहां पर आशिक और माशूक मुलाकात करें उस जगह को मौला कहते हैं। ये उलमा ने लिखा है, कायनात में इश्क हुआ ही दो दफा है, एक बार अल्लाह ने मोहम्मद से किया, एक बार हुसैन ने अल्लाह से किया। अब कानून उसने बनाया है क्या कि जब
इश्क का हक अदा होगा तो फिर माशूक को चल के आना पड़ेगा मिलने के लिए। उसने कायनात बना के कहा मैंने हक अदा किया, मोहम्मद को चल के जाना पड़ा मिलने के लिए। और जब यहां हुसैन ने हक अदा किया तो फिर सजदा तुझे नजर आ रहा है, हुसैन उसे देख के कह रहा है कानून बनाया तेरा था अब तू आ। आप जियो मौला आपकी जिंदगी करे। गुफ्तगु में एक जुमला भी मैं उनवान से बाहर नहीं गया, पूरी ईमानदारी के साथ ये आपको समझाना था, क्योंकि जो कहने लगा हूं उसके लिए ये कहना बड़ा जरूरी था वरना जाया हो जाता। मुझे अंदेशा था और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा भी इससे समझने से रह जाए। मौला अब तू आ। वो जो इनके दर पे खड़ा रहता है ना इजाजत के लिए, उसे हुक्म है और किबला ये उलिल अम्र हैं, रू अम्रे रब्बी है, तो इनके हुक्म के बिना तो तेरी मेरी रूह कब्ज नहीं होती, उनकी रूह। मलकुल मौत ने खुद मरना है अगर इजाज़त तो खड़ा था हुसैन, तेरा मेरा क्या वास्ता, उसको भेज उससे कह अब तू आ। आप यकीन मानो अगर हवाले देने पे आया तो मौजूद हैं, लेकिन आदत नहीं है कि मिंबर पर किताबों के हवाले, क्योंकि हो गई किताबें बहुत पढ़ लीं, सबको नाम भी पता हैं और जब नाम बता के हवाले दे दिए जाएं पूछने वालों को तो जोर की खारिश होती है। आज तक नहीं देखा मैंने किसी ने बाजार जाके खरीद के पढ़ी भी हो, देखी भी हो, तस्दीक की भी हो कि जो बताया है वो लिखा भी है या नहीं, वरना अलामा दरबंदी जैसा नाम भी ये लिख रहा है। इतना कह देना काफ़ी है, जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं वो जानते हैं मैंने किसका नाम लिया क्या, कि अल्लाह का करबला में आना तो मिलता है, वो गया या नहीं ये नहीं मिलता। ओए होए 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 या अली या अली या अली। मैं आखिरी एक जुमला कहना उसके लिए खड़ा हूं मैं, मालिक मेरी मदद फरमा। हाथ जोड़ के वक्त देखिए, हक वाली बीबी का जिक्र कर रहा हूं, अब मेरे भाई के हक का जो वक्त है वो मैं ले रहा हूं उसके लिए माजरत, लेकिन सिर्फ एक जुमला मुझे रोक के खड़ा, मैं मसायब के चार जुमले कम कर दूंगा, ये बस आप जुमला वसूल कर लीजिए। अल्लाह का आना मिलता है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, अलामा दरबंदी मैंने नाम ले दिया है, इसरारु शहादा उनकी किताब चले मैंने किताब का भी हवाला दे दिया, अरबी जिनकी अरबी कमजोर है उसका इक्तबास का उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, वो तर्जुमा लेकर पढ़ ले, उसमें भी लिखा हालांकि डंडी मारी है फिर भी लिखा क्या अल्लाह आया। अब कैसे आया ये अल्लाह को पता है, या उसे पता हो जिसके लिए आया। आने का सबने लिखा, अल्लाह चला गया ये किसी ने नहीं लिखा। अब कैसे आया है ये अल्लाह को पता हो, है ये अल्लाह को पता हो, लेकिन एक बात है घर मेरा है ना तो घर के बाहर तख्ती पे लिखा होगा मूसा हैदर जैदी। मैं अगर किराए पर भी दे के किसी को चला जाऊं ना तो तख्ती उतारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि घर के बाहर लगी तख्ती ही मिल्कियत का इजहार है। अब मर्जी है, लोग जल्दी करते हैं नुसैरियत से लेके कुफर तक के फतवे देने के लिए, अगर देना चाहते हो तो ये फतवे खुदा की कसम निशाने हैदर लगते हैं जब मालिक की मदा सराई में मिलते हो। मूसा जैदी ने या तूने मैंने जाके नहीं लिखा,
जाके पूछो ये हुसैन के गुंबद पे अल्लाह किसने लिखा। किसी वजह से पढ़ रहा था मैं ये, बस हो गई ये बात है ना। अल्लाह लिखा तख्ती लगी है उसकी जिसका है, जिसका है। मैंने क्या कहा था, मैं तौहीद पढ़ता, काश तौहीद समझ में आए लोगों को तो फिर विलायत पर सवाल नहीं होगा। खत्म, विलायत पर तब सवाल। मौला है क्या कारबला, क्यों? क्योंकि हुसैन ने कदम रखा, हुसैन के कदम रखने की वजह से अल्लाह को आना पड़ा। हुसैन जहां कदम रख दे वो मौला होता है, यानी अल्लाह की जगह। वो जहां हुसैन कदम रखे वो जगह अल्लाह की हो जाती है, तो फिर वो कदम क्या होंगे जिन कदमों पे हुसैन सर रखे। आप सलाम आप आबाद, मौला आपको जिंदगी दे। हो गई, ये एक जुमला था, इसकी मेहनत के लिए मुझे 5 मिनट मैंने इजाफी ले लिए। कदम क्या होंगे जहां हुसैन सर रखे। आपकी सजदगाह है उसी मौला की मट्टी। सजदे से पहले भी चूमते हो, सजदे के बाद भी चूमते हो। हुसैन की सजदगाह को सैयदा के कदम कहते हैं, जिन कदमों पर हुसैन सर रख। बस मैं वक्त ज्यादा ले गया, मसाइब नहीं पढ़ने, लेकिन एक जुमला सुन लो, मेरे हिस्से की नौकरी हो जाएगी यकीनन। इतने दिनों से ये जिक्र हो रहा है, शहादत के कई पहलू पढ़े जा चुके, यकीनन पढ़े जा चुके। हाथ जोड़ के सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगा, ना मुझ में हिम्मत ना तुझ में, क्योंकि यह हिस्सा मुझे पता है। बीबी की शहादत के अय्याम में 1 मजलिस हो, 5 हो, 10 यह रिवायत नहीं पढ़ी जाती। मैं नहीं जानता इतने दिनों में क्या पढ़ा गया, फिर भी कह रहा हूं नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ये जानता हूं नहीं पढ़ते। बस ये सुन लो, मौला हसन बादशाह ना अपनी पाक माँ मखदूमा आलिया की शहादत के बाद, मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था मकतल की, लिखा था मौला हसन सारी जिंदगी मदीने की एक गली से नहीं गुजरे। यहूदियों की गली नहीं थी, मुसलमानों की गली थी। एक सहाबी ने एक दिन पूछ लिया, आंसू रोना गिरिया सब तेरा नसीब है, मैं बिना रुके बस पढ़ूंगा, वक्त नहीं। एक सहाबी ने कहा, मौला मैं देखता हूँ आप जब भी इस तरफ आते हैं लंबा सफर तय करके गुजर जाते हैं, इस गली से नहीं गुजरते। मौला आखिर वजह क्या है? हसन बादशाह बेसाख्ता जमीन पे ऐसे गिरा जैसे दरख्त से कटा हुआ शैतीर गिरता। जमीन पे बैठे सर से अमामा उतरा है, जमीन से खाक उठा के मौला ने अपने सर में रखी और कहा, क्या पूछ लिया तूने? कहा, मौला कुछ तो बयान कर। कहा, क्या बताऊं मैं तुझे, लोग ये सुनते हैं और समझते हैं कि मेरी माँ हक लेने गई थी और दरबार से वापस लौटा दिया गया। सुन, बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। मेरी मां का हक नहीं दिया वो तो अलग है, मेरी मां को ये कहना पड़ा मैं सिद्दीका हूं, मैं झूठ नहीं। जब तहरीर के टुकड़े हुए, मेरा भाई हुसैन आगे बढ़ा था, रोक दिया, कहा हुसैन नहीं,
ये मुझे उठाने दे। वो तहरीर के टुकड़ों का वजन इतना था मेरी माँ की कमर झुक गई। बाप के दरबार से निकली थी बाल सफेद हो गए, अभी भी इनका जी नहीं भरा। अरे मुसलमानों सुनो, जब इस गली से बतूल गुजरी है, ये वो गली थी जहां पे बतूल को पत्थर मारा गया। मौला हसन कहता है मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं इस गली से गुजरूं। मैं कहता हूं मौला तू भी गैरतुल्लाह है, मौला सज्जाद भी गैरतुल्लाह। तेरी माँ को जो पत्थर लगा था वो आज भी कब्र पे रखा है। मौला तू कभी गली से नहीं गुजरा, आ देख शाम का बाजार है, सैयद सज्जाद है परस्ते हुए पत्थरों में, सज्जाद और बतूल की बेटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आता है सैयदा वो नुक्ता है जिसने दायरा तौहीद बनाया है। हाय 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 हाय। आप सलाम ओम ओम, आप आबाद रहिए। ओम मरकज महवर। ओम कहते हैं दरख्त की जड़ को, और दरख्त गिजा कहां से लेता है? जड़ से लेता है, जड़ ही उसकी जिंदगी। जड़ काट दो दरख्त गया, टहनी काटो और आ जाएगी। अगर जड़ काट दी, जड़ नहीं काटी दरख्त काट दिया। अब सैयदा पर जिसने जो जो जुल्म किया, सैयदा पर नहीं हुआ वो दरख्त पे हुआ है, वो दरख्त पे। बड़ी तवज्जो, ओम ओम के मायनी थोड़े थोड़े से समझ में आ रहे हैं। ओम में अभी और बेइज्जत मिन्नी, अजमत पे एक एक जुमले और खत्म। तीन मिनट रह गए मेरे पास। बेइज्जत मिन्नी क्या तर्जुमा किया जाता? फिर वही इल्मी यतीमी तो है ही है, यहां जहालत का वो अंधेरा है कि क्या बयान। बेइज्जत मिन्नी मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। गलत, पहली बात यहां जिगर है ही नहीं। बेइज्जत मिन्नी अगर ईमानदारी करनी भी है तो पहले तो जिगर हटा, टुकड़ा ये फिर भी काबिले कबूल है। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होगा, कौन सा टुकड़ा? जिगर तो है ही नहीं ना यहां पे किबला। बेइज्जत मिन्नी ये मेरी बेटी, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा हिस्सा है, हिस्सा कह लो टुकड़ा कह लो, सवाल होगा कौन सा। अब तर्जुमा कर दूं इसका भी, महफूज कर लेना, बात बिल्कुल इख्तिताम पे आ गई। बेइज्जत मिन्नी जिगर का हिस्सा नहीं, जिगर का टुकड़ा नहीं। अरबी में बेइज्जा जिस्म के, बदन के, शख्स के, शख्सियत के या जात के, जो तुम चाहो या जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसके, उस हिस्से को कहते हैं जिसके बिना उस बदन में जिंदगी का तसव्वुर नहीं होता। हाथ काट दो, पांव काट दो, बंदा जिंदा रहता है, सर काटोगे तो नहीं रहेगा। मोहम्मद कह रहे हैं ये मेरा सार है। आप ये आप आबाद रहे। नारे विनाय, नारे विनाय, नारे हरि। आप आबाद रहे। एक मजलिस में मैंने खमसा बंद करके दे दिया जी, तीन उनवानों पर, विलायत से लेकर फिदक और बीबी की अजमत पे चंद जुमले, ये मैंने कोशिश की से एक घंटे में आपके हवाले में कर दूं। वो हिस्सा जिसके बिना तसव्वुर जिंदगी, वो ये गर्दन है। सर जुदा कर दो, धड़ खत्म। अगर सर जुदा कर इस जुमले पे बस बात खत्म है। अभी हशमत भाई पढ़ रहे थे, एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या खूब इस्तेमाल किया, वाह उनको दांत है फिर से, यकीनन ऐसा ही है। उसी वक्त एक बात बस मालिक ने अता की थी जब मैं सुन रहा था उनकी ज़ुबानी, आपके लिए है तो इसी बात पे आपके हवाले करके इजाज़त। बड़ी खूबसूरत बात, यकीनन अकीदा यही है हमारा। करबला को क्या कहते हैं आप? करबला। कब से? जब से वहाँ हुसैन ने कदम रखा।
बड़ा मुख्तसर करके जुमला है सिर्फ, यानी हुसैन जहां कदम रखे, यही पढ़ रहे थे ना मिसरा, यही था, जहां हुसैन कदम रखे वो मुअल्ला होता है, मुअल्ला। अच्छा, इल्मी एतबार से आ जाएं तो मुअल्ला क्या होता है? मुअल्ला कहते हैं, चलें इसके भी मानी भी बता दूं, फिर इल्मी एतबार से भी देख लीजिए मुअल्ला किसे। मुअल्ला कहते हैं अल्लाह की जगह को। हाय 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 हाय, या अली मेरा मौला। अच्छा, इसके मानी में भी आप देखेंगे जी, बुलंद जगह, आला जगह, क्या खूब जगह, अजमत वाली जगह। मौला अल्लाह की जगह, यानी उससे तो ऊपर फिर कोई जगह ही नहीं होगी ना, जो जगह अल्लाह की है। ये किसकी जगह है जी? या जी चौधरी साहब की जगह है। ये किसकी है जी? ये जी सैयद सरदार हैं जी, उनकी जगह। ये किसकी है? ये जी हुकूमत है पाकिस्तान की जगह है। उन तो जी हुकूमत है पाकिस्तान की जगह कब्जा करके बखाओ, है ना जी। यानी जिसकी जगह है उतनी ही डाढ़ी होगी। तो करबला है अल्लाह की जगह, मौला जो अल्लाह की जगह हो। ये तो हो गए मानी। अब आइए इल्मी एतबार से, दो ही जगह हैं ऐसी जिन्हें कम अज कम आज की तारीख तक आप मौला कहते हैं, बाकी मौला पर अपना हक समझ के बैठने वाला जब आएगा तो फिर बताएगा कि मौला क्या होता है। तो पता नहीं फिर कौन कौन से मौला खुले। अब तक तो दो ही मौला है, या अर्श मौला है या करबला मौला है, जहां पर आशिक और माशूक मुलाकात करें उस जगह को मौला कहते हैं। ये उलमा ने लिखा है, कायनात में इश्क हुआ ही दो दफा है, एक बार अल्लाह ने मोहम्मद से किया, एक बार हुसैन ने अल्लाह से किया। अब कानून उसने बनाया है क्या कि जब इश्क का हक अदा होगा तो फिर माशूक को चल के आना पड़ेगा मिलने के लिए। उसने कायनात बना के कहा मैंने हक अदा किया, मोहम्मद को चल के जाना पड़ा मिलने के लिए। और जब यहां हुसैन ने हक अदा किया तो फिर सजदा तुझे नजर आ रहा है, हुसैन उसे देख के कह रहा है कानून बनाया तेरा था, अब तू आ। आप जियो, मौला आपकी जिंदगी करे। गुफ्तगू में एक जुमला भी मैं उनवान से बाहर नहीं गया, पूरी ईमानदारी के साथ ये आपको समझाना था, क्योंकि जो कहने लगा हूं उसके लिए ये कहना बड़ा जरूरी था वरना जाया हो जाता। मुझे अंदेशा था और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा भी इससे समझने से रह जाए। मौला अब तू आ। वो जो इनके दर पे खड़ा रहता है ना इजाजत के लिए, उसे हुक्म है। और किबला ये उलिल अम्र हैं, रू अम्र रब्बी है, तो इनके हुक्म के बिना तो तेरी मेरी रूह कब्ज नहीं होती, उनकी रूह। मलकुल मौत ने खुद मरना है अगर इजाज़त, तो खड़ा था हुसैन, तेरा मेरा क्या वास्ता, उसको भेज, उससे कह अब तू आ। आप यकीन मानो अगर हवाले देने पे आया तो मौजूद हैं, लेकिन आदत नहीं है कि मिंबर पर किताबों के हवाले, क्योंकि हो गई किताबें बहुत पढ़ ली, सबको नाम भी पता हैं, और जब नाम बता के हवाले दे दिए जाएं पूछने वालों को तो जोर की खारिश होती है। आज तक नहीं देखा मैंने किसी ने बाजार जाके खरीद के पढ़ी भी हो, देखी भी हो, तस्दीक की भी हो कि जो बताया है वो लिखा भी है या नहीं, वरना
अलामा दरबंदी जैसा नाम भी ये लिख रहा है। इतना कह देना काफी है, जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं वो जानते हैं मैंने किसका नाम लिया। क्या कि अल्लाह का करबला में आना तो मिलता है, वो गया या नहीं ये नहीं मिलता। ओए होए 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 या अली या अली या अली। मैं आखिरी एक जुमला कहना उसके लिए खड़ा हूं मैं, मालिक मेरी मदद फरमाए। हाथ जोड़ के वक्त देखिए, हक वाली बीबी का जिक्र कर रहा हूं, अब मेरे भाई के हक का जो वक्त है वो मैं ले रहा हूं उसके लिए माजरत, लेकिन सिर्फ एक जुमला मुझे रोक के खड़ा। मैं मसाहिब के चार जुमले कम कर दूंगा, ये बस आप जुमला वसूल कर लीजिए। अल्लाह का आना मिलता है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, अलामा दरबंदी मैंने नाम ले दिया है, इसरारु शहादा उनकी किताब चले, मैंने किताब का भी हवाला दे दिया। अरबी जिनकी अरबी कमजोर है उसका इक्तबास का उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, वो तर्जुमा लेकर पढ़ ले, उसमें भी लिखा हालांकि डंडी मारी है फिर भी लिखा क्या अल्लाह आया। अब कैसे आया ये अल्लाह को पता है, या उसे पता हो जिसके लिए आया। आने का सबने लिखा, अल्लाह चला गया ये किसी ने नहीं लिखा। अब कैसे आया है ये अल्लाह को पता हो, है ये अल्लाह को पता हो। लेकिन एक बात है, घर मेरा है ना तो घर के बाहर तख्ती पे लिखा होगा मूसा हैदर जैदी। मैं अगर किराए पे भी दे के किसी को चला जाऊं ना तो तख्ती उतारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि घर के बाहर लगी तख्ती ही मिल्कियत का इजहार है। अब मर्जी है, लोग जल्दी करते हैं नुसैरियत से लेके कुफर तक के फतवे देने के लिए। अगर देना चाहते हो तो ये फतवे खुदा की कसम निशाने हैदर लगते हैं जब मालिक की मदा सराई में मिलते हो। मूसा जैदी ने या तूने, मैंने जाके नहीं लिखा, जाके पूछो ये हुसैन के गुंबद पे अल्लाह किसने लिखा। किसी वजह से पढ़ रहा था मैं ये, बस हो गई ये बात है ना, अल्लाह लिखा तख्ती लगी है उसकी जिसका है जिसका है। मैंने क्या कहा था, मैं तौहीद पढ़ता, काश तौहीद समझ में आए लोगों को तो फिर विलायत पर सवाल नहीं होगा। खत्म विलायत पे तब सवाल, मौला है क्या कारबला, क्यों, क्योंकि हुसैन ने कदम रखा, हुसैन के कदम रखने की वजह से अल्लाह को आना पड़ा। हुसैन जहां कदम रख दे वो मोहल्ला होता है, यानी अल्लाह की जगह, वो जहां हुसैन कदम रखे वो जगह अल्लाह की हो जाती है। तो फिर वो कदम क्या होंगे जिन कदमों पे हुसैन सर रखे। आप सलाम आप आबाद, मौला आपको जिंदगी दे। हो गई ये एक जुमला था, इसकी मेहनत के लिए मुझे 5 मिनट मैंने इजाफी ले लिए। कदम क्या होंगे जहां हुसैन सर रखे, आपकी सजदगाह है उसी मौला की मट्टी। सजदे से पहले भी चूमते हो, सजदे के बाद भी चूमते हो। हुसैन की सजदगाह को सैयदा के कदम कहते हैं, जिन कदमों पर हुसैन सर रख। बस मैं वक्त ज्यादा ले गया, मसाइब नहीं पढ़ने, लेकिन एक जुमला सुन लो मेरे हिस्से की नौकरी हो जाएगी। यकीनन इतने दिनों से ये जिक्र हो रहा है, शहादत के कई पहलू पढ़े जा चुके, यकीनन पढ़े जा चुके। हाथ जोड़ के सिर्फ
एक मिनट से भी कम वक्त के अंदर रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगा, ना मुझ में हिम्मत ना तुझ में, क्योंकि यह हिस्सा मुझे पता है बीबी की शहादत के अय्याम में एक मजलिस हो, पांच हो, अशरा, यह रिवायत नहीं पढ़ी जाती। मैं नहीं जानता इतने दिनों में क्या पढ़ा गया, फिर भी कह रहा हूं नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि यह जानता हूं नहीं पढ़ते। बस ये सुन लो, मौला हसन बादशाह ना अपनी पाक माँ मखदूमा आलिया की शहादत के बाद, मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था मकतल की, लिखा था मौला हसन सारी जिंदगी मदीने की एक गली से नहीं गुजरे, यहूदियों की गली नहीं थी, मुसलमानों की गली थी। एक सहाबी ने एक दिन पूछ लिया, आंसू रोना गिरिया सब तेरा नसीब है, मैं बिना रुके बस पढ़ूंगा, वक्त नहीं। एक सहाबी ने कहा मौला मैं देखता हूं आप जब भी इस तरफ आते हैं लंबा सफर तय करके गुजर जाते हैं, इस गली से नहीं गुजरते, मौला आखिर वजह क्या है? हसन बादशाह बेसाख्ता जमीन पे ऐसे गिरा जैसे दरख्त से कटा हुआ शैतीर गिरता, जमीन पे बैठे सर से अमामा उतरा है, जमीन से खाक उठा के मौला ने अपने सर में रखी और कहा क्या पूछ लिया तूने? कहा मौला कुछ तो बयान कर। कहा क्या बताऊं मैं तुझे, लोग ये सुनते हैं और समझते हैं कि मेरी माँ हक लेने गई थी और दरबार से वापस लौटा दिया गया, सुन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, मेरी माँ का हक नहीं दिया वो तो अलग है, मेरी माँ को ये कहना पड़ा मैं सिद्दीका हूं, मैं झूठ नहीं। जब तहरीर के टुकड़े हुए मेरा भाई हुसैन आगे बढ़ा था, रोक दिया, कहा हुसैन नहीं ये मुझे उठाने दे, वो तहरीर के टुकड़ों का वजन इतना था मेरी माँ की कमर झुक गई, बाप के दरबार से निकली थी बाल सफेद हो गए, अभी भी इनका जी नहीं भरा। अरे मुसलमानों सुनो, जब इस गली से बतूल गुजरी है ये वो गली थी जहां पे बतूल को पत्थर मारा गया। मौला हसन कहता है मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं इस गली से गुजरूं, मैं कहता हूं मौला तू भी गैरतुल्लाह है, मौला सज्जाद भी गैरतुल्लाह, तेरी माँ को जो पत्थर लगा था वो आज भी कब्र पे रखा है, मौला तू कभी गली से नहीं गुजरा, आ देख शाम का बाजार है, सैयद सज्जाद है परस्ते हुए पत्थरों में, सज्जाद और बतूल की बेटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।